5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन की तीसरी वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने राम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में दीपक जलाए और इस दिन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए इसकी तीसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी और अधिवक्ता सुनील जैन के नेतृत्व में जागृत हिंदू मंच द्वारा भोपाल के कई स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर आकर्षक आतिशबाजी की गई। डॉक्टर केसवानी ने कहा कि आज का दिन हमेशा इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, ये पावन दिन युगों युगों तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक रहेगा। डॉक्टर केसवानी ने कहा कि सैकड़ों कार सेवकों का अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। राम मंदिर का भव्य निर्माण सनातन धर्म का ऐतिहासिक विकास है, जिसके लिए पीएम मोदी का हृदय से आभार है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और जो भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में, भगवान श्री राम के बिना विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए आज हम हर्षित हैं, उल्लास हैं। आज यहाँ पे मंदिर में प्रांगण में भगवान के समक्ष दीपक जलाकर, आतिशबाजी कर, मिठाइयां खाकर और एक दूसरे को बधाई देने का काम किया और माननीय मोदी जी का धन्यवाद देने का भी काम हमने किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।